पीएमसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल बटन दबाएं। मेरा नाम पूजा बिंद्रा है, फ्रॉम मैं लुधियाना से हूँ। तो मेरे को ध्यान में आए हुए 3 साल हुए हैं। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड आए थे पिरामिड में, तो वो मेरे को लेकर आए थे। तो जब मैंने ध्यान किया तो पहले तो मुझे लगा कि चलो धीरे धीरे इसको करते हैं। तो जो मेरे में चेंजिंग आई हैं कि जैसे मैं पहले ना हर बात पे गुस्सा मुझे आना, हर बात पे वो करना, लेकिन अब जब से मैंने ध्यान में आना शुरू किया तो मुझे जैसे कभी किसी पे गुस्सा नहीं आता मेरे को। तो जब मैंने ध्यान में आना शुरू किया तो पहले मुझे बहुत गुस्सा आता हर बात पे, उसको बुरा लगा कहना, उसको बुरा कहना। लेकिन जो 3 साल मेरे में चेंजिंग आई है कि मुझे अब किसी पे गुस्सा ही नहीं आता है। तो ना मैं कभी किसी की चुगली सुनती हूँ, ना कभी करती हूँ। मेरी ये आदत बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो मेरे में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है, बहुत ज़्यादा। और देख, मेरे को पिछले एक साल में मेरे को निगाह मेरी चली कमज़ोर भी बहुत हो गई थी, कम हो गई थी। तो मैंने ऐनक भी बनवाई, लेकिन जब मैंने पिरामिड में ध्यान करना शुरू किया तो 15 दिन में मेरी निगाह वापस फिर वैसी आ गई। तो मैंने जो अपनी ऐनक बनवाई थी वो मैंने पिरामिड में ही छोड़ दी। तो मैं नॉनवेज की बहुत ज़्यादा शौकीन थी, नॉनवेज बहुत खाती थी, लेकिन जब से मैंने पिरामिड में आना शुरू किया, ध्यान में मैंने आना शुरू किया, तो मेरे तो अब तो बिल्कुल खाना तो क्या, मेरे को तो देखना भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना ध्यान में तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, सबको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। कि देखो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है, अपने आप को खुद पता लगता है कि मेरे को इतनी चेंजिंग आई है। किसी को बताने की या किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और पिछले साल तो मैंने अपनी थोड़ी सी पार्ट लाइफ भी देखी और मुझे उसमें कुछ अपना कुछ एक्सपीरियंस भी हुआ। तो देखो मैं ध्यान में जब बैठी, सिर्फ 5 मिनट लगे हैं, मैं अपना लाभ पिछली दुनिया में चली गई थी। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को पिरामिड में आके ध्यान में। अब मेरी कोशिश यही होती है कि मैं दिन में जितना ज़्यादा हो सके उतना मेडिटेशन करूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं चाहे आधा घंटा करूँ चाहे 1 घंटा करूँ, लेकिन मैं मेडिटेशन ज़रूर करती हूँ। तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। तो मैं जब मुझे कोई मिलता है, जब मेरी फ्रेंड, जब मुझे कोई भी, तो मैं सबसे पहले यही कहती हूँ सबको कि आप ध्यान करो। ध्यान के अलावा और कुछ भी नहीं है दुनिया में, ध्यान बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो जब से मैंने नॉनवेज खाना बंद किया है कि मेरे को ये लगता है कि मैं सबको यही बोलती हूँ कि नॉनवेज मत खाओ। जो हम खाते हैं हम किसी की जीव हत्या करते हैं, हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तो आप कुछ नहीं पढ़ा है नॉनवेज में, आप वेजिटेरियन बनिए। कि हम जीव हत्या करके खाते हैं तो बहुत बुरा लगता है मेरे को। मैं तो सबको यही कहती हूँ कि आपको जीव हत्या करके मांस मंदिर नहीं खाना चाहिए। हमारा आस्था ब्यूटी क्लीनिंग है, स्किन क्लीनिंग। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम मैं और मेरे हस्बैंड सबको ध्यान की तरफ ज़रूर लगाते हैं और सबको यही कहते हैं कि आप नॉनवेज मत खाओ, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके आप ध्यान में जाओ। और हम उनको पिरामिड में लेके भी आते हैं, उनको ध्यान की क्लासेस भी लगवाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि दुनिया को इस तरफ लाना हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि और हम ये कहते हैं कि और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, जितना हो सके आप सबको साथ में जोड़ो, सबको साथ में ध्यान करवाओ। तो हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी सबको अपनी तरफ लेकर आए हैं, ध्यान करवाया सबको। तो हमारे घर में तो बच्चे भी इस लाइन में हैं, बच्चों को भी ध्यान करवाते हैं हम। तो बहुत अच्छा लगता है सबको इस तरफ में जोड़ने के लिए। नमस्कार।